SCST चेयरमैन विशेष रवि ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर बात की, साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किस तरह एजुकेशन को अपडेट किया इसके बारे में भी बताया। उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया और प्रोफेशनली एजुकेशन को लेकर भी विस्तार से बताया है। विशेष रूप से रवि ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दिल्ली सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में भी बात की। SCST चेयरमैन विशेष रवि से खास बात की हमारी संवाददाता विनोद रस्तोगी ने। आज हमारे साथ हैं करोलबाग क्षेत्र के विधायक विशेष रवि जी और जो साथ ही SCST कमेटी के चेयरमैन भी हैं। विशेष जी नमस्कार। विशेष जी, जैसे कि आज दिल्ली में दिल्ली जो एजुकेशन मॉडल है हिंदुस्तान में इसका बोलबाला है और अव्वल दर्जे का कहा जाता है, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का सबसे जो मुख्य बिंदु रहा है सरकार में काम करने का, वो शिक्षा पे ही रहा है। हमारी सरकार ने डे वन से शिक्षा को महत्व दिया है, शिक्षा पे काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा है। विदेश से लोग जब यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं तो वो ताजमहल या लाल किला जाने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आते हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष जी की मेहनत है, उनकी लगन है, जिसकी बदौलत आज दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के निवासियों को इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था मिल रही है। विशेष जी, जैसे कि अभी दिल्ली में देखा जा रहा है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बने हैं, अभी इनकी तादाद दिल्ली में केवल 7 है, क्या इन पर आगे बढ़ाने का भी कोई है तरीका है? बिल्कुल, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो स्कूल है जहाँ हमारे जो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक कक्षा में 40 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा रुचि है पढ़ाई के अंदर और उनके मार्क्स परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, तो हम उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवा कर उन सब बच्चों को जो अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में उनको हम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में लाते हैं और वहाँ उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बेस्ट एजुकेशन या बेस्ट फैसिलिटी जो है उनको दी जाती, ताकि वो आगे बढ़कर दिल्ली का और देश का नाम रोशन। विशेष जी, जैसे कि दिल्ली में स्कूल्स मॉडल तो अच्छा चल रहा है, अभी हमने कुछ स्कूलों में सर्वे किया था तो देखा गया था इसमें जैसे इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, मगर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ अभी हिंदी मीडियम है, तो क्या होता है पेरेंट्स कुछ करते हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका झुकाव होता है, थोड़ा उस बारे में थोड़ा मुझे बताएं इसको कैसे दूर करा जाएगा? इंग्लिश मीडियम करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपको उसको नर्सरी से इंग्लिश मीडियम करना पड़ेगा। आप किसी भी स्कूल को 5वीं से, 6ठी से या किसी और स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसको नर्सरी से करेंगे तभी वही बच्चे जो है फर्स्ट में जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम मिलेगा, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। बीच में करने से बच्चे को किसी को समझ में नहीं आएगा, अगर 5वीं तक किसी ने हिंदी मीडियम किया है तो 6ठी में उसको इंग्लिश मीडियम देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो हमारी सरकार ने नर्सरी से जो है इंग्लिश मीडियम करना शुरू कर दिया है पिछले साल से, और अब आप देखना कि आने वाले 7-8 सालों के अंदर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल आपको इंग्लिश मीडियम मिलेंगे और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी आपको इंग्लिश बोलते दिखाई देंगे, उसको मदद करेंगे। अभी हमारे साथ थे करोलबाग विधानसभा से विधायक विशेष रवि जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से हमें बताया और दिल्ली के स्कूल्स के बारे में विस्तार से बताया और जो एजुकेशन मॉडल है उसको आगे बढ़ाने के रास्ते बताए। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ विनोद रस्तोगी।